ये जो है पुलिस वाली प्रोजेक्टर हेडलाइट है जो स्प्लेंडर में आप फिट कर सकते हो, और ये वाली जो है सिंपल मिलेगी आपको व्हाइट व्हाइट के अंदर। और साथ ही में डिफरेंट टाइप ऑफ पार्किंग बल्ब का रिव्यू करेंगे जो आप मीटर के अंदर भी यूज कर सकते हो और हेडलाइट के अंदर भी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल शेखावत मॉडिफायर। सो आज के वीडियो में कंप्लीट रिव्यू करेंगे स्प्लेंडर की जो है प्रोजेक्टर वाली हेडलाइट है, जिसके अंदर आपको एक पुलिस का डिफरेंट मोड मिलता है। और बहुत सारे भाइयों के रिक्वेस्ट थी इस लाइट को लेके, तो पूरा रिव्यू इंस्टॉलेशन तो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि मेरे पास आज के वीडियो के लिए 5-6 कंटेंट है, तो सभी का जो है शॉर्ट रिव्यू करेंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी आइटम का पूरा रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, आपको नेक्स्ट से नेक्स्ट वीडियो में वो सब डिटेल जो है मिल जाएगी। तो इस लाइट के अंदर आपको स्पेशली क्या मिलता है कि इसके अंदर आपको प्रोजेक्टर सेमी प्रोजेक्टर लेंस की हेडलाइट मिलती है, और नीचे की तरफ एक स्ट्रिप लाइट मिलती है जिसके अंदर डिफरेंट पुलिस तरह के जो है पैटर्न चलते हैं। और इसके अंदर आपको 8 अलग अलग मोड मिलेंगे पुलिस लाइट के अंदर। कनेक्शन के अंदर आपको H4 सॉकेट दिया जाता है, और पुलिस लाइट को चलाने के लिए अलग सॉकेट मिलेगा, तो मतलब आप इसके लिए अलग से बटन भी लगा सकते हो। और गाइज एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो लाइट है काफ़ी सस्ती मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जिसकी जो है रोशनी बहुत ही कम है, तो वो जो है एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो पूरी इंक्वायरी कर ले पहले, एक बार आप इसकी वीडियो देख लीजिए चलते हुए। सो गाइज यहाँ पे आपने डिफरेंट मोड जो है लाइट के देख लिए होंगे। अब आपको मैं इसकी जो है डिटेल्स देता हूँ। ये लाइट जो है डोरसे ब्रांड की है, जिसको इंपोर्ट किया है Lemtech.Private Limited ने, जिनका ऑफिस जो है दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है। ये लाइट जो है प्रॉपर आउटपुट देती है 135 वोल्ट तक का, और जो मेड इन इंडिया वर्जन है वो मैक्सिमम 27 वोल्ट की लाइट आउटपुट देती है। दोनों के अंदर जो है रोशनी का बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको, तो इसका अच्छा खासा स्प्रेड है आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। और इसकी जब हाई बीम करेंगे तो उसके अंदर आपको कुछ इस तरह रिस्पॉन्स मिलेगा, तो फ्रंट से आप लुक देख सकते हैं कुछ इस तरह की मिलती है। तो इसके अंदर आपको एक बीम पैटर्न मिलने वाला है, जिसके अंदर लाइट जो आपकी स्प्रेड होगी, तो कहीं पे भी कोई फोकस एरिया इसमें देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो ये जो है इसका लो बीम पे सेट है इस टाइम, और जैसे ही आप हाई बीम करेंगे इसके अंदर दो प्रोजेक्टर लेंस लाइट बनती है जो कि काफी दूर तक एरिया कवर करती है। सो गाइज इसका अगर आपको प्रॉपर इंस्टॉलेशन वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना, 2 या 3 दिन के अंदर आपको इसका प्रॉपर इंस्टॉलेशन वीडियो मिलेगा विद वायरिंग डायग्राम। सो गाइज सेम इंपोर्टर से हमें जो है सेकंड लाइट मिली है, तो ये भी 135 वोल्ट का आउटपुट रिस्पांस देती है। तो क्वालिटी आप जो है हाथ में लेके ही देख सकते हो, जो भी मटेरियल जिस तरह का भी होता है उसको जैसे ही आप हाथ में लोगे उसका वेट और उसकी जो बिल्ड क्वालिटी होती है वो सारी चीज़ अपने आप बता देती है। तो इसके अंदर आपको सिंपल वाइट मोड मिलेंगे, आपको इसके अंदर हाई बीम लो बीम का फंक्शन मिलने वाला है। लो बीम के अंदर इसके नीचे की जो स्ट्रिप है वो काम करने वाली है, और जैसे ही आप हाई बीम करेंगे ऊपर का जितना भी प्रोजेक्टर लेंस एरिया वो सारा अपने आप जो है काम करने लगेगा। तो इसका रिस्पांस बिल्कुल सेम उसी लाइट जितना है जितना मैंने अभी आपको प्रोजेक्टर पुलिस लाइट का रिस्पांस दिखाया। सो गाइस अब बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पार्किंग लाइट की। पायलट बल्ब की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, और मार्केट में इस टाइम बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बल्ब आ भी चुके हैं, तो सभी का रिव्यू आपको चेक करवाएंगे। और ये बल्ब की कॉमन बात क्या है कि आप इनको जो है पार्किंग में भी यूज़ कर सकते हो आपकी बाइक के हेडलाइट में, और साथ में आप इनको मीटर के अंदर भी लगा सकते हो, तो दोनों का सेम होल्डर मिलने वाला है। तो स्टार्टिंग कर लेते हैं सबसे सस्ते वाले से। तो ये वाला बल्ब जो है सबसे चीप रेट में आपको मिलेगा, और काफ़ी छोटा सा बल्ब है, इवन इसके अंदर ज़्यादा कुछ आपको दिखेगा भी नहीं, कोई होल्डर वगैरह नहीं होता, सीधा आपने इसको प्लग एंड प्ले करना है। और इसको लगाने से पहले एक चीज़ बता दूँ, जितने भी LED बल्ब होते हैं चाहे वो पार्किंग बल्ब हो या हेडलाइट बल्ब हो, सभी DC पे काम करते हैं, आपने अल्टरनेट करंट पे किसी को भी यूज़ नहीं करना। मतलब आपको जो है इसका DC कनेक्शन करवाना पड़ेगा पहले, उसके बाद आप LED यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे मेरे भाई जो है जिनको नॉलेज नहीं होती वो क्या करते हैं, इनको डायरेक्ट जो है हेलोजन को निकाल के डाल देते हैं, जिनसे इनका बल्ब जो है जल जाता है। सो गाइज मैंने जो है ऑलरेडी अपनी पूरी बाइक को DC कनेक्शन पे करा हुआ है, तो इसके अंदर कोई भी आपका नुकसान नहीं है। इवन इसके अंदर आपकी जो बैटरी है वो फुल चार्ज रहती है, और उसकी जो है बचत होती है, बहुत कम कंजप्शन होती है, तो आपको जो है अपनी बाइक में DC करवा लेना चाहिए।
तो यहाँ जो है पार्किंग बल्ब लगा चुके हैं ऑलरेडी और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की रोशनी है। और ये जो वीडियो है मैं ज्यादा दिन में भी नहीं शूट कर रहा और ना ही ज्यादा शाम, तो ये जो है मिड इवनिंग का जो है टाइम है। इसके अंदर आपको कंपैरिजन के लिए देख सकते हैं डे टाइम में जो है रोशनी का कितना परफॉर्मेंस। तो मैं अगर आपको रिकमेंड करूँ कि ये वाला बल्ब जो है काफी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, जो एवरेज आपको जो है आपको लाइटनिंग मिलती है वो इसके अंदर मिल जाएगी, और इसका जो प्राइस है वो बहुत ही कम है। तो प्राइस और ऑर्डर करने की डिटेल सारी आपको मेरे को डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट जो है बात करते हैं हमारे दूसरे पायलट लैंप की। ये जो पायलट लैंप है 360 डिग्री के अंदर इसके अंदर चिप लगे होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 अलग अलग छोटे छोटे LED चिप लगे हुए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट ग्लो करते हैं। आप जो है इस बल्ब को भी यूज़ कर सकते हो, ये भी जो है DC पे काम करेगा। बल्ब को आप पार्किंग लाइट के साथ साथ मीटर के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसके अंदर जो है ब्लू कलर का मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ब्लू की जो विजिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है हर एक कलर से। तो आपको अगर इनमें से कोई भी बल्ब परचेज करना है हर एक कलर के अंदर जो है अवेलेबल है। आपको जो है डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मिल जाएगी, प्रोसेस जो है सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे जाके आप मुझसे जो है प्राइस वगैरह कंपेयर कर सकते हो। सिंगल पीस से लेके अगर आपको होलसेल में चाहिए तो उसकी भी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। तो डे टाइम में कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स है। तो जैसा मैंने आपको सबसे सस्ता वाला बल्ब दिखाया था वो काफ़ी पावरफुल था, इसके मुकाबले अगर इसको आप उससे कंपेयर करें तो दोनों की ब्राइटनेस में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो हेडलाइट के अंदर जो इसका रिफ्लेक्शन होता है वो 360 डिग्री बल्ब का ज़्यादा होता है, जबकि वो जो था फ्रंट फेस का एक बल्ब था। तो गाइस नेक्स्ट जो बल्ब है वो कुछ इस तरह का है, जिसके सामने की तरफ जो है कुछ लेंस लगा हुआ है। तो काफ़ी अच्छा खासा मोटा लेंस है और काफ़ी यूनिक डिज़ाइन के अंदर ये मिलता है। तो ये भी जो है आपका DC पे काम करेगा। और ये बल्ब जो है RGB बल्ब है, इसके अंदर आपको 5-6 कलर देखने को मिल जाएंगे और साथ ही में कलर के अंदर 2-3 मोड भी आपको मिलेंगे, जिसके अंदर आपका फ्लैशिंग मोड और स्मूथनेस मोड मिलेगा। सो कुछ इस तरह से ये जो है काम करते हैं। तो बल्ब आपने देख लिया बहुत ही यूनिक था और आउटपुट रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ही बेहतरीन था, क्योंकि इसके सामने जो लेंस लगा हुआ है उसकी वजह से इसका फोकस काफ़ी दूर तक जाता है। तो नेक्स्ट बल्ब की बात कर लेते हैं। सो ये सबसे यूनिक बल्ब है और ये आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी लगेगा, क्योंकि ये जो है 360 डिग्री के अंदर ही मिलता है। इसके सामने जो है क्रिस्टल ग्लास की कोटिंग की गई है और इसके अंदर जो चिप यूज़ किया है वो सिंगल चिप यूज़ किया हुआ है। आपको इसके अंदर कोई भी अलग अलग पॉइंट नहीं मिलेगा, जो भी अंदर LED चसेगा वो आपका पूरा जो है एक सिंगल चिप लगा हुआ है। तो सिंगल चिप होने का बेनिफिट यही है कि आपका बल्ब जो है बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाला है, इसके अंदर जलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सिंगल चिप के जितने भी आप बल्ब या हेडलाइट ट्यूब देखेंगे वो काफ़ी अच्छा रन करते हैं। तो ये जो क्वालिटी है ज़्यादातर आपको बड़े बड़े ब्रांड में ही मिलेगी। तो यहाँ पर आप ब्राइटनेस कंपेयर कर सकते हो। अभी तक मैंने आपको जितने भी बल्ब दिखाए थे सब में से सबसे ज़्यादा ब्राइट यही वाला बल्ब है और इसकी रोशनी आप देख सकते हो। रिफ्लेक्टर के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस है, ज़्यादा ब्राइट भी दिखता है और नाइट टाइम में देखोगे तो बहुत ही लाजवाब रोशनी है। सामने आप फ्रंट फेस से भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छा ब्राइटनेस है। अगर मैं आपको इसके जो फ्रंट से दिखाऊं तो हेडलाइट के साथ आप कंपेयर करते हो तो हेडलाइट ऑन करने के बाद भी जो है बल्ब की रोशनी दिखती है। तो नेक्स्ट अगेन एक अलग और यूनिक बल्ब आ चुका है, लेकिन इसको यूज़ करने से पहले मैं आपको वार्निंग देता हूँ कि अगर इस तरह का बल्ब आप यूज़ करते हैं और पुलिस अगर आपको पकड़ती है तो आपका चलान कटेगा, क्योंकि ये जो बल्ब है पुलिस मोड के साथ आता है। इसके अंदर आपको 4 अलग अलग LED मिलते हैं डबल कलर के अंदर, जिसके अंदर रेड एंड ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो ये किस तरह से काम करता है, ये स्टार्टिंग में रेड फ्लैश करेगा, देन ब्लू करेगा और देन एक पिंक मोड आएगा, जो कि दोनों एक साथ फ्लैश करने से आता है। तो इसका इंस्टॉलेशन करके मैं आपको सबसे पहले इसकी ब्राइटनेस चेक करवाता हूँ।
गाइस पहले हम जो इसको ओपन एरिया में ही चला के देख लेते हैं। ओपन एरिया में अगर आप इसकी ब्राइटनेस देखोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह की इसकी रोशनी है। और ये जो मोड है ज़्यादातर जो है पुलिस के व्हीकल में ही यूज़ होता है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आप लोग नॉर्मल बंदे अगर यूज़ करते हो तो आपका चलान कट सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए खरीदने से पहले। तो रोशनी आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टर के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त होती है, और शाम के टाइम तो ये बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडलाइट के अंदर जितनी भी रोशनी है सारी इस बल्ब की ही दिख रही है। और रिस्पॉन्स अगर आप आउटपुट देखोगे तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ, दूर तक जो है जितना भी आपको एरिया दिखेगा सब तक इसकी रोशनी स्प्रेड होगी और अच्छा खासा फोकस इसके अंदर मिलता है। ऊपर से अगर आपकी बाइक का रिफ्लेक्टर एकदम क्लीन है तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसका मिलता है। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। सिंगल पीस से लेके आपको होलसेल तक प्रोवाइड कर सकते हैं, 50 पीस 100 पीस तक का मटेरियल आपको मिल जाएगा, घर बैठे होम डिलीवरी हो जाएगा। सारा जो ऑर्डर का प्रोसेस है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके मुझसे बात कर सकते हो, उस पर कॉल करके भी बात कर सकते हो, आपको सारी डिटेल हर एक आइटम की मिल जाएगी। बाकी आप चैनल पे अलग अलग वीडियोज़ डले हुए हैं सभी चेक कर लीजिए, जो भी आइटम आपको परचेज करना है सारी डिटेल आपको व्हाट्सअप पे मिल जाएगी। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट है या आपको कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।